विभिन्न विभागों की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमें तैयार की हैं। सबसे अधिक वसूली रेरा की है। रेरा ने उन बिल्डरों पर शिकंजा कस दिया है जिन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे हड़प लिए हैं। वसूली का लक्ष्य 100% रखा गया है। कई विभागों के करोड़ों रुपए बकाया हैं, जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से होनी है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया, बिजली विभाग समेत कई विभागों की वसूली के लिए टीमें गठित की गई हैं। सबसे ज्यादा मामले रेरा के हैं। रेरा इन्वेस्टर्स की रकम को लेकर बेहद चिंतित है। देखिए, वसूली मार्च का महीना वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस समय पीक पे हैं हम, और जितने हमारे ड्यूज बचे हुए हैं उनमें हम लोग 100% वसूली के प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मुख्यतः जो हमारे गवर्नमेंट ड्यूज हैं, जो हमारा विद्युत देय का बकाया है, जो हमारा स्टाम्प देय का बकाया है, जो हमारा परिवहन का बकाया है, रॉयल्टी का बकाया है, या रेरा दे के बकाए हैं, इनमें हम एग्रेसिवली कार्रवाई कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरी वसूली हमारी हो जाए। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग इसमें काफ़ी अच्छा काम कर लगे हैं। 90% हमारी वसूली हो चुकी है और इसमें हमें हम 10% और कर लेंगे, तो लिहाजा हम 90% के आसपास पहुँच जाएंगे। देखिए, रेरा के ड्यूज नए आए हैं और वो उस पर बिल्डर्स के ड्यूज हैं, तो उसमें ज्यादा बकाया है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाना है। वसूली का दबाव मार्च माह में प्रशासन पर ज्यादा होता है। वैसे तो पूरे साल वसूली के लिए अभियान चलता रहता है, लेकिन मार्च आते ही तहसील के अमीन ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं। सबसे अधिक मामले रेरा के हैं। रीव ने उन बिल्डरों पर शिकंजा कस दिया है जिन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करके रकम हड़प ली है। सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।